सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और घंटे को बजाना ना भूले ताकि आप देख सके रोजाना नए वीडियो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीकनेस पर। आए दिन साइंस की तरक्की को लेकर हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं और हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ किस प्रकार हुई होगी। पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा गुप्त मिशन था जिस गुप्त मिशन में कुछ सैनिकों ने ऐसा खोजा जो कभी भी सोचा नहीं जा सकता था, यानी कि उन्हें एक ऐसी चीज़ मिली जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए। कई रिपोर्टरों के अनुसार 2012 में 8 सैनिकों ने कथित तौर पर अफगानिस्तान के रेगिस्तान में एक शीर्ष गुप्त मिशन में भाग लिया। अब गुप्त मिशन में भाग लेने के बाद उन सैनिकों ने जब रेगिस्तान की गुफाओं में वो अंदर गए तो उन्हें विमानों के कुछ हिस्से और कुछ विमान ऐसे मिले जिन्हें देखकर उनके होश उड़ गए। हालांकि ये बहुत ही एक खुफिया मिशन था, लेकिन रूसी विदेशी खुफिया एजेंसीज ने किसी तरीके से इसको बचाकर रखने की कोशिश की, पर ये लीक हो गई रिपोर्ट। और राष्ट्रपति ने काफ़ी पुतिन के हिसाब से देखा जाए तो उन कर्मियों को, यानी कि सैन्य कर्मियों को, काफ़ी तरीके से रोकने की कोशिश की, बट वो रोक नहीं पाए और ये जो खबर थी हवा में उड़ते उड़ते सारी दुनिया को पता चल गई। जब उन 8 सैनिकों ने उन्नत प्रौद्योगिकी, यानी कि आज की टेक्नोलॉजी को लेकर अगर हम देखें तो पुरानी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो सकती थी, लेकिन उस तकनीक को आज अगर हम आज़मा कर देखें तो शायद हम कभी खोज भी नहीं सकते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को कैसे बनाया गया था। अंततः यह सिर्फ एक रहस्य बना हुआ है कि उस चीज़ को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया या जो वो विमान थे वो किस प्रकार बनाए गए, लेकिन रहस्य शिल्प जो उजागर हुए, जो नेतृत्व किया गया, वो एक निशान मिला, वो एक ऐसा निशान मिला जिसे देखकर वो आठों के आठों सैनिक जो थे, जो गुफा के अंदर गए थे, जिन्होंने इन बहुत सारे विमानों को देखा था, उनके होश तो ज़रूर उड़ गए थे। अब विमान शब्द की अगर बात करें तो विमान शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है और प्राचीन पवित्र ग्रंथों में भी इसका वर्णन आता है, यानी कि वेदों में और वेदों के कुछ रूपों में। अब अविश्वसनीय उड़ान जहाज़ों से साल 6000 से अधिक पहले हमारे ग्रह का दौरा किया गया है यह भी कहा जाता है और बहुत सारी किताबों में पढ़ने को भी मिलता है। बहुत सारे ऐसे वर्णित वेद कह लीजिए या पुरानी पुस्तकें कह लीजिए जिनमें इन विमानों का उल्लेख हुआ है। अब दिलचस्प बात यह है कि विश्व भर में प्राचीन संस्कृतियों को लेकर अविश्वसनीय कहानियां हैं, जिन कहानियों की बहुत सारी मूल धाराएं भी हैं, जिसमें यह लिखा हुआ है कि कुछ लोग आकाश से यहां आते थे और यहां के लोगों को आकाश ले जाया जाता था इन विमानों के द्वारा। अब सिर्फ अगर अफगानिस्तान की बात करें या वहाँ की गुफाओं की बात करें तो ये चीज़ें सिर्फ वहीं देखने को नहीं मिलती हैं, बल्कि हमारे भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों में भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जहाँ पर शिल्पे यानी कि आकार बने हुए हैं, आकृतियाँ बनी हुई हैं विमानों की, और इस तरीके के इशारों से वो आकृतियाँ दर्शाती हैं कि विमान में बैठकर कोई ऊपर जा रहा है या वो अंदर जा रहा है उस विमान के और कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि हमारी जो मंदिर की आकृति बनाई गई है, यानी कि टेम्पल्स की जो आकृतियाँ शेप बनाई गई हैं, वो कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि वो एक तरीके का विमान है और उसमें कोई भी पूर्वज या कोई भी देव बैठकर कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये सिर्फ एक काल्पनिक बात है या सच्चाई है यह तो नहीं पता है, लेकिन वेदों में भी इस चीज़ का वर्णन देखने को मिलता है। अब जो विमान अफगानिस्तान की गुफाओं में मिले, कहा जा रहा है कि वो 5000 से 6000 साल पहले बने थे। तो एक चीज़ तो यहीं क्लियर हो जाती है या साफ हो जाती है कि 5000 साल पहले कोई चीज़ बनाई गई और वो आज तक बची हुई है। तो इससे ये अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि जो हिस्ट्री में, यानी कि जो प्राचीन डेवलपमेंट था या टेक्नोलॉजी थी, वो इतनी ज़्यादा सक्षम थी कि आज तक अगर वो बची हुई है तो उनके पास में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर थी जिन्हें वो जानते थे और उन्हें पता था कि इस तरीके से इस चीज़ को बचाया जा सकता है, तभी उस चीज़ को आज 5000 साल बाद या 6000 साल बाद खोजा गया और बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में, परफेक्ट ना भी कहें तो कुछ ऐसी कंडीशन में उन्हें देखने को पाया गया कि लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ किस तरीके से 5000 या 6000 साल तक बिल्कुल ठीक कंडीशन में हो सकती है। शोधकर्ता और जो खोजकर्ता थे उन्होंने जब स्थल का दौरा किया तो कथित तौर पर उस विमान को एक टाइम वेल से एनकेस्ड रूप में खोजा था, यानी कि इसका जो वर्णन है उन्होंने जो बताया है वो यही बताया है कि जब इसे पाया गया था वो एक एनकेस्ड रूप था, यानी कि मिट्टी से ढका हुआ है वो या किसी भी तरीके से दबा हुआ है। अब अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत में भी इन विमानों का जिक्र हुआ है और उड़ान ये इस तरीके की उड़ान भर सकते थे कि ये मशीन से भी ज़्यादा तेज़ थे, जिनके 12 हाथ दिखाए गए हैं या 4 ठोस पहियों के साथ इन्हें दिखाया गया है।
इन प्राचीन ग्रंथों में इतना ही नहीं, आक्रमक विमान को भी दिखाया गया है जिसमें अनेकों प्रकार के वेपन्स होते थे, यानी कि हथियार होते थे जिसकी वजह से शायद वो किसी से भी लड़ सकते थे, चाहे वो परग्रही हो या उनका कोई दुश्मन हो। अब रिपोर्ट जो मिली है वो यह दर्शाती है कि जो विमान डिस्कवर किए गए उन गुफाओं में वो बिलोंग करते हैं, यानी कि वो किसी के हैं जो हमारे पूर्वज थे, यानी कि एंशियंट मैन्स थे हमारे। इन्हें जोड़ के देखा गया पर्शिया के एक प्रॉफेट ज़ोरास्ट्रिस के साथ में, जो कि फाउंडर थे ज़ोरास्ट्रियनिज्म के। ये भी एक धर्म है जो कि पर्शिया में इसे फॉलो किया जाता है। इसकी सब डिविजन्स भी बहुत सारी है, पर कहने की बात तो यही है कि अगर इन विमानों का इस्तेमाल होता था तो करता कौन था। अभी तक जितनी भी बातें हुई वो तो सिर्फ एक काल्पनिक है कि लोगों ने अंदेशा लगाया और उस अंदेशे को उन रिपोर्ट्स में डालकर प्रस्तुत किया, लेकिन जो रिपोर्ट्स दर्शाती हैं क्या वो पूरे तरीके से सच है, सही है, यह कहना बिल्कुल भी गलत होगा। हो सकता है ये सिर्फ काल्पनिक ही हो या कोई चीज़ हो ऐसी पुराने समय में जो सही भी हो, यानी कि विमान होते भी हों। अब एक चीज़ जो आप बिल्कुल मानेंगे कि जहाँ पॉजिटिविटी होगी वहाँ नेगेटिविटी भी होगी। जिन लोगों ने इन विमान के ऊपर भरोसा नहीं किया जब इन लोगों ने इन विमानों को ढूंढा था, तो इन लोगों ने यह कहा कि अफगानिस्तान में इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या वीपन्स के जो टेस्ट होते हैं, तो अफगानिस्तान के जितने भी मिलिटेंट्स हैं या जो भी उग्रवादी हैं, उग्रवादी संगठन है जो वहाँ पर उस तरीके का काम करते हैं, वो उन्हें इस्तेमाल करने के बाद पहाड़ों में छुपा देते हैं या दबा देते हैं। पर जिस तरीके के फ़ोटोज़ मिले थे उस रिपोर्ट में से, यह तो बिल्कुल साफ था कि वो अफगानिस्तान के किसी भी मिलिटेंट ग्रुप के या उग्रवादियों के नहीं थे। तो वो थे किसके, यह सवाल आज भी बना हुआ है। पर उनकी उम्र ज़रूर बताई गई कि वो 5,000 से 6,000 साल पुराने ज़रूर थे, और वो टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अलग थी। तो उन विमानों को और आज के एक एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो दोनों के शेप्स, साइजेस, टेक्नोलॉजी बहुत ही अलग है, बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं। अब इंटरेस्टिंगली अगर हम बात करें तो कुछ ही समय पहले, यानी कि कुछ सालों पहले, एक चाइनीज़ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स जो थे उन्होंने ऐसे ब्लूप्रिंट खोजे इंटरस्टिशियल स्पेसशिप के या एंटी ग्रेविटेशनल पॉपुलेशंस मेथड के, जो आज के नहीं थे, बहुत सालों पहले उन्हें बनाया गया था। कहा ऐसा भी गया कि जो इन चाइनीज़ रिसर्चर्स को ये ब्लूप्रिंट मिले थे या जो ये एंशियंट्स डॉक्यूमेंट मिले थे, अगर किसी भी ऐसे आदमी के हाथ लग जाए जो किसी का बुरा चाहता है या इस दुनिया को ख़त्म करना चाहता है, तो वो इजीली कर सकता है। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्स जो थे वो पूरे तरीके से लीक नहीं हो पाए थे, और ब्लूप्रिंट भी आज उन चाइनीज़ रिसर्चर्स के पास ही है जो कि ल्हासा तिब्बत में मौजूद हैं। हालांकि इन्हें दिखाया नहीं जाता है, बट ये मिले थे और इन एंशियंस डॉक्यूमेंट के प्रूफ भी दिखाए गए थे। अब सबसे चौंका देने वाली बात जो है वो यह है, आप यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, उन विमान्स को लेकर और इन चाइनीज़ रिसर्चर्स की थ्योरी को लेकर, यानी कि जो इन्हें एंशियंस डॉक्यूमेंट मिले थे, वो दोनों के दोनों संस्कृत में लिखे हुए थे, जो कि आज की संस्कृत नहीं, एंशियंट संस्कृत थी। अभी आज की जो संस्कृत है और जो पुरानी संस्कृत थी, वो दोनों ही अलग अलग है। मैं दावे के साथ तो इस चीज़ को नहीं कह सकता हूँ, बट लेख जो लिपि जो थी वो लिपि थोड़ी बहुत मेल ज़रूर खाती है, लेकिन पुरानी संस्कृत और आज की संस्कृत काफ़ी अलग थी और इसको बोलने का तरीका भी अलग था। तो जो ये एंशियंट विमान मिले, यानी कि जो पुरातत्व विमान मिले, और जो पुरानी संस्कृत की राइटिंग वाले वो चाइनीज़ रिसर्चर्स को जो एंशियंट डॉक्यूमेंट मिले थे, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और इनमें इसी तरीके की टेक्नोलॉजी का वर्णन था जो आज की टेक्नोलॉजी से बहुत सालों पहले की टेक्नोलॉजी थी, और आज की टेक्नोलॉजी को वो आराम से तोड़ सकती है। अब तोड़ने का मतलब यह है कि पुरानी टेक्नोलॉजी आज के मुकाबले पहले के दिनों में बहुत ज़्यादा विकसित थी। हालांकि इसके कोई भी डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स नहीं मिल पाए, पर यह हम सब जानते हैं और हमारी हिस्ट्री इसे बखूबी हर बार प्रदर्शित करती है किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो एलियंस के आने जाने को लेकर हों, चाहे क्रॉप सर्कल्स को लेकर हों, चाहे पुराने लीगल डॉक्यूमेंट्स, कुछ संस्कृत डॉक्यूमेंट्स या इस तरीके के वेदों को लेकर हो, या कुछ भी ऐसी बात हो, तो ये जाहिर करती है कि हमारी संस्कृत या हमारी जो पद्धति थी, भारत की पद्धति, वो किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से, किसी भी सिटी से बहुत ज़्यादा आगे थी। अब इन डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो डॉक्टर रूथ रैना ने इसे बताया कि ये 4th century यानी कि 4th सदी के संस्कृत के पेपर थे, जिनमें साफ साफ जिक्र था उस टाइम के डेवलपमेंट का, उस टाइम के आर्किटेक्चर का और उस टाइम के टेक्नोलॉजी का, जो आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ही आगे थी। अब एक चीज़ जो यहाँ नोटिस करने वाली है, ये जो एंशियंट टेक्स्ट
थे वो डिस्क्राइब करते हैं उस समय के विमान को लेकर और उस समय जिस तरीके के विमान बनाए गए थे और जो अब अफगानिस्तान में कुछ समय पहले जो विमान मिले वो बहुत ही ज़्यादा मेल खाते हैं और मेल खाते हैं तो उन चाइनीज रिसर्चर्स की थ्योरी और अफगानिस्तान में मिले विमान बहुत ही तरीकों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा विकसित थी आज के समय को लेकर। अब ये सिर्फ एक थ्योरी है, काल्पनिकता है या सच्चाई है, इसको कहना तो नामुमकिन होगा क्योंकि कोई भी चीज़ें जब तक लिखित तौर पर स्टैंप प्रूव्ड ना हो जाए तब तक हम उस चीज़ पर भरोसा नहीं करते हैं। पर बात चाहे जो भी हो, चाहे वो काल्पनिक हो चाहे सच्चाई हो, एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि हमारे पूर्वजों ने उनके रहने के सच्चाई के सबूत दिए हैं, चाहे वो आज मिले हों या पहले मिले हों या मिलने वाले हों। हमारे पूर्वजों ने अपनी सच्चाई को हमेशा उजागर किया है लोगों के साथ में कि किस तरीके से उनका रहन सहन था या किस तरीके से उनकी जीवनशीला थी। अब ये हमारी काल्पनिकता होती है कि हम उसे किस तरीके से अपनाते हैं या किस तरीके से अपने जीवन में ढालते हैं। तो यार ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें और साइटेक न्यूज़ आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल के आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके।